सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह और यूपीए सरकार के बीच की खाई और ज्यादा गहराती जा रही है। एक और जनरल ने पीएम को खत लिखकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में बताया है, तो वहीं सरकार जनरल के इस दावे को खारिज कर रही है। पहले उम्र पर जंग, फिर घूस पर घमासान, अब जनरल का चिट्ठी बम। जनरल ने छेड़ी नई जंग। जी हां, जनरल वीके सिंह ने सरकार के खिलाफ नई जंग छेड़ दी है। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 12 मार्च को जनरल ने पीएम को एक खत लिखा, जिसमें सेना के खस्ता हाल होने की बात कही गई है। जनरल के खत के मुताबिक दुश्मन को शिकस्त देने के लिए टैंक के बेड़े के पास गोला बारूद खत्म होने की कगार पर है। हवाई सुरक्षा के 97% उपकरण बेकार हैं और हवाई हमले से बचने का भरोसा नहीं है। इसके अलावा पैदल सेना के पास पर्याप्त हथियारों की कमी है और सेना रात में लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। वीके सिंह ने अपने खत में ये भी लिखा है कि सेना की विशेष फोर्सेस के पास जरूरी हथियारों की कमी है, साथ ही जंग में काम आने वाले पैराशूट खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा सेना की निगरानी में बड़े स्तर पर खामियां बताई गई हैं। यूएवी और निगरानी के लिए सेना के पास जरूरी राडार नहीं है, साथ ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की मौजूदा उत्पादन क्षमता और उपलब्धता बेहद कम है। जाहिर है मामला गंभीर था, इसलिए संसद के दोनों सदनों में उठा। हालांकि रक्षा मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि देश की सुरक्षा दुरुस्त है। Since this matter has been raised, I wish to assure the House and through the House, the nation, that government is determined to continue to do all that is necessary to ensure the security and defence of India. एक और एंटनी सेना में सब ठीक होने की बात कर रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष के कई नेता सेना प्रमुख के इस खुलासे से नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी पूरे मामले पर जनरल के साथ खड़ी दिख रही है। सेना का हेड अपने स्वार्थ के लिए सारा देश को बर्बाद करना चाहता। हम लोग प्राइम मिनिस्टर से भी मिलकर मिलने वाले हैं कि इनको सख्त करिए। जितना चाहिए उतना गोला बारूद और साधन सामग्री अगर नहीं मिलेगी और वो सरकार के अनिर्णय से नहीं मिलेगी तो फिर तैयारी धरे के धरे रह जाती है, और इसलिए सेनाध्यक्ष का ये पत्र ये गंभीर चेतावनी है और सरकार अनिर्णय को समाप्त करेगी। रक्षा मंत्रालय एक गंदी तालाब में बिल्कुल धंसा हुआ है, इसके हमने मांग की है कि सारे मामले पर एक स्पष्टीकरण दिया जाए और सरकार यह बताए कि वह सेना क्यों तैयार नहीं है। सेना अध्यक्ष बनाम सरकार, आजाद भारत में ये पहली दफा दिख रहा है। सेना अध्यक्ष की चुनौतियों पर अब तक सरकार लाचार दिख रही थी, लेकिन अब खबर है कि आने वाले दिनों में सरकार अगर बहुत बड़ी नहीं तो सेना अध्यक्ष के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई पर विचार कर रही है। जनरल वीके सिंह के इस खुलासे ने न सिर्फ सरकार बल्कि आम आदमी को भी हिला कर रख दिया है। सवाल ये है कि क्या सेना प्रमुख ने अपनी लक्ष्मण रेखा को पार किया है। साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर जनरल की ये सीक्रेट चिट्ठी लीक कैसे हो गई। अब देखना ये है कि क्या सरकार आने वाले दिनों में जनरल पर कोई कार्रवाई करेगी या फिर जनरल आने वाले दिनों में सरकार पर कोई नया बम फोड़ेंगे। पहले सेना में घुसखोरी की बात और अब हथियारों की कमी के खुलासे से सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह सबके निशाने पर आ गए हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब जनरल के धमाकों से सेना की अंदरूनी हकीकत बयां हुई है, और ऐसे में अब सेना प्रमुख और सरकार दोनों की ही मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस समय दिल्ली से संजीव त्रिवेदी और विजेंद्र सिंह के साथ मंजीत नेगी।